भाई इस समय कोरोना के अलावा अगर किसी और के जोरों शोरों से चर्चे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सल्लू भाई की राधे ही है। और हो भी क्यों ना भला, जब सारे स्टार्स दुबक कर बैठ गए तो सलमान अकेले ही मैदान में जीत का परचम लहराने के लिए उतर आए हैं। राधे की रिलीजिंग तो 13 मई को ही फिक्स हो चुकी है और रिलीज का मॉडल भी सेट कर दिया गया है, जिसे हाइब्रिड रिलीज कहते हैं, यानी कि फिल्म सिनेमाघरों के साथ साथ ओटीटी पर भी एक साथ एक ही दिन दस्तक देगी। इन शॉर्ट, दर्शकों को उनके हर विकल्प पर फिल्म अवेलेबल करवाना मतलब साफ है, आप चाहे तो राधे को बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अपने फोन की 5 इंच स्क्रीन पर भी। लेकिन क्या सलमान की हाइब्रिड रिलीज इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या ये बॉलीवुड के लोगों को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान? अब इन्हीं सब बातों को लेकर बॉलीवुड में हलचल मच चुकी है। हालांकि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है वो इसलिए क्योंकि अब फ्यूचर में जाकर ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि फिल्में ऐसे ही रिलीज की जाए। खैर, इस बात का रिजल्ट कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा, लेकिन इसे गेम चेंजर का खिताब क्यों दिया जा रहा है उसे समझिए, और इस मेथड से किसी को कोई दिक्कत भी हो सकती है वो भी हम आपको बताते हैं। पहली बात तो जाहिर तौर पर राधे की रिलीजिंग का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और मौका भी खास है ईद का। सलमान की फिल्म धमाका तो मचा कर ही रहेगी, लेकिन जैसा कि कुछ फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि राधे उन फिल्मों में से एक है जो कि ओटीटी से ज्यादा सिनेमाघर दहला सकती है अपनी परफॉर्मेंस से। हालांकि बात तो सच है, लेकिन सलमान की इस पहल ने इंडस्ट्री को एक और नई कमाई का जरिया दे दिया है, साथ ही एक और ऑप्शन अवेलेबल होगा फिल्मों की रिलीजिंग का, नहीं तो हाल पिछले साल की तरह हो जाएगा। दूसरी बात, बीते साल लॉकडाउन से ओटीटी का बोलबाला शुरू हो गया है, लोग ज्यादातर ओटीटी अपने मनोरंजन के लिए चूज कर रहे हैं। ऐसे में सलमान की फिल्म ओटीटी लवर्स के लिए एक मूड चेंज साबित हो सकती है और उन लोगों के लिए एक इजी वे जो सलमान की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते हैं। तीसरी और अहम बात, हर चीज के दो पहलू होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। अगर हाइब्रिड रिलीज इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगी तो वहीं सिनेमाघर जो पिछले एक साल से सूने पड़े हैं, नुकसान झेल रहे हैं, उनके लिए ये फैसला शायद सही ना हो। जैसा कि आपको हमने पहले ही अपनी कई वीडियोस में बताया था कि राधे की रिलीजिंग को लेकर कई सिनेमाघरों के मालिक सलमान के पास गए थे, ऐसे में राधे के सिनेमाघरों के साथ साथ ओटीटी पर रिलीज होने से राधे को भले ही फायदा हो सकता है, लेकिन 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 सिनेमाघरों के मालिकों को नुकसान। यानी कि भले ही राधे की हाइब्रिड रिलीज फिल्मी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर या फिर एक नया आइडिया साबित हो सकती है, लेकिन बॉलीवुड का एक वर्ग यानी कि सिनेमाघर बर्बादी के कगार पर आ सकता है। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियां, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।